अब बड़ी मुश्किल से जाकर स्टूडियो का तापमान जरा कम हुआ है, तो आइए जरा चर्चा एक बार फिर से शुरू करते हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें, हमारे साथ स्वामी ओम बाबा मौजूद हैं, हमारे साथ मार्तंडेयपुरी जी मौजूद हैं, एच एस रावत जी मौजूद हैं, कुछ एक मेहमान अब हमारे साथ नहीं हैं, वो इस शो में अब हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन आइए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। स्वामी ओम बाबा जी, आपके ऊपर कई तरह के आरोप हैं और आरोपी की जो लिस्ट है वो इतनी बड़ी है कि उसके कुछ एक अंश मैं पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ। आपके ऊपर एक मसाज पार्लर की आड़ में ब्लैकमेलिंग का आरोप है। आपके ऊपर डिफेंस कॉलोनी में पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, जिसका ये FIR का कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें आपके ऊपर हथियार बम रखने के आरोप हैं। आपके ऊपर लड़कियों के अश्लील फोटो रखने के आरोप हैं। लड़कियों के अश्लील फोटो रखने के साथ साथ उनके ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है, और उसके साथ साथ आप जेल की हवा भी खा चुके हैं। जवाब देने स्वामी कैसे? जवाब देने देंगे बिल्कुल, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। FIR आपके पास में है जी। उस FIR में कहीं नहीं लिखा है कि स्वामी ओम जी के ऊपर में मसाज पार्लर चलाने का आरोप है। आप पढ़ के इनको सुना दीजिए। उस FIR में कहीं नहीं लिखा है कि मैं किसी का ब्लैकमेलिंग करता हूँ। उस FIR में कहीं भी नहीं लिखा है कि मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म किया है। लेकिन हाँ, आपने जो इसमें ये एक्सप्लोसिव एक्ट बताया है वो ज़रूर है, और सुन लीजिए, वो इसीलिए है जी, जो इस सोनिया गांधी के साजिश के तहत मैंने सबसे पहले देखिए कितनी एक्सप्लोसिव रखना सही है क्या? मैं पहले बोले स्वामी, क्या विस्फोटक रख सकता है? प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे आप बोलने दीजिए। आपने जब आरोप लगाया ना, मुझे बोलने दीजिए जी। 1991 में सबसे पहले मैंने एक जो इकलौता MP था उसके लिए, चूंकि मुझे राजीव गांधी को सत्ता में दोबारा लाना था, मैंने राजीव गांधी को समझा करके उस चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनवाया, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ। चंद्रशेखर जी को प्राइम मिनिस्टर आपने बनवाया? हाँ, चंद्रशेखर, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ उसी चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ। अब सुन लीजिए, कैसे बनवाया आपने जरा बताइए। बोलने देंगे तब? अरे बताइए, आप ऐसी बात कह रहे हैं जो कि आज तक इतिहास में हम लोगों ने नहीं जानी। रिकॉर्ड में है जी, अजय जी जी, उसको। और इतना ही नहीं, मैं चंद्रशेखर का तो मैं प्रमाण दे ही रहा हूँ आपको, लेकिन उसके साथ साथ आज जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जो मेरे भी आदरणीय हैं, उनको बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मोदी जी को क्या करा आपने? ये रिकॉर्ड आपके पास भी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, दोनों रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप पहले अपने यहाँ से रिकॉर्ड निकाल लेना। मोदी जी को भी बता दीजिए कि आपने उनको कैसे पता है। आपके पास भी प्रूफ है? वो मेरे पास नहीं है। मैं आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आपकी बड़ी भूमिका है। सुनिए अजय बाबू, जो डेट और टाइम अभी मैं बताऊंगा ना, आप अपने न्यूज में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बताइए तो, इंतजार किस बात का है? पहली बात तो ये है, 8 जून 2013 जी, डेट आप नोट कर लीजिए, आप निकाल लेना अभी। 8 जून 2013 को जब 11:15 गोवा से नरेंद्र मोदी जी ने, वो आज से मेरे मित्र नहीं, बहुत पुराने मित्र, वो बाद बताऊंगा, लंबी कहानी है, एक मिनट हंसो मत, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जब गोवा से 8 जून 2013 को नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया कि स्वामी जी, BJP के वहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन था, पीछे मुझे आप टोकिए मत, मुझे बोलने दीजिए, आपके पास रिकॉर्ड है इसीलिए कह रहा हूँ, आपके आप ये यहाँ से अभी निकल जाएगा। मेरे पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप टेलीविजन पर जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, 8 जून 2013 को उस दिन शनिवार था जी, मुझे जब नरेंद्र मोदी जी ने 11:15 फोन किया गोवा से, राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उन्होंने मुझे ये कहा कि स्वामी जी, बाकी तो सब सहमत हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली में रूठे बैठे हैं
और वो चूंकि आपके परिचित है कमला आडवाणी, एक मिनट पहले सुन लीजिए, आपके यहाँ रिकॉर्ड बहुत जोर से अपच हो रही है। नहीं नहीं अपच हो रही तो आपको आपको अभी पता मुझे लगता है कुछ और डाइजीन खाना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा खाना आपको एक मिनट आप इस तरह की बातें करते हैं, ये गलत है, ये गलत है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, क्षमा चाहता हूं, ये गलत है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको फोन किया, भाई साहब उनके फोन का नंबर पता आपको? वेरी गुड, एक मिनट जिस फोन से गोवा से मुझे उन्होंने फोन किया वो 2013 की बात है, आज बताइए नंबर भाई आपको? मैं वो जिस वो आप प्रधानमंत्री से पूछे, सुन लीजिए, मैं उनसे पूछे जाओ, मैं प्रधानमंत्री का टेलीफोन आप करें, हाँ पूछे हम प्रधानमंत्री जी से, आपके रिकॉर्ड से भी निकलवाऊंगा मैं, सुन लीजिए, क्या निकलवाएंगे आप? जो आपके यहाँ टेलीकास्ट हुआ है वो टेलीकास्ट हुआ है वो आप बोलने दीजिए, मोदी जी ने आपका शुक्रिया अदा किया, एक मिनट जी बोलने दीजिए। हाँ उसके बाद मैंने मोदी जी को सिर्फ ये कहा कि आप एक घंटे के आप सपना अपना देखते हैं? मैं सपना नहीं देखता हूँ, ये आपके पास सबूत है, आपके चैनल में मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं अभी दे रहा हूँ ना सबूत, आप बोल तो यार बीच में आप बोलने नहीं देते मुझे, जैन साहब आप तो नहीं बोलेंगे, मुझे बीच में बोलने दीजिए, आप चुप रहिए, ये सबूत मैं आपके यहाँ अभी निकलवाऊंगा आपके चैनल से। मैंने उनको ये कहा कि एक घंटे के बाद दुनिया का कोई भी चैनल देख लेना, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको केंद्रीय प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने का फैसला बीजेपी ने ले लिया है और लालकृष्ण आडवाणी को उससे साइड कर दिया है। मैंने सिर्फ इतना सा काम किया, मेरे पास में SMS सर्वर है, मेरे पास में ईमेल सर्वर है, सर्वर से बल्क में मैंने SMS किया अपने लोगों को और पत्रकारों को, ग्लोबल मीडिया को मैंने किया। और सुन लीजिए, उसके बाद ये जब मैंने मैसेज किया कि मैं वहाँ लालकृष्ण आडवाणी का घर घेरने आ रहा हूँ, तो विदिन एक मिनट आपके यहाँ भाई आपने नहीं, अरे भाई आप इस तरह की बेतरतीब बेतुकी बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप एक सेकंड सुनिए, निकाल रहे हो, सुनिए तो सही, आप निकाल रहे हो, ये ग्लोबल मैं क्या निकालू, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप झूठे हैं, आप ओ गॉड आप पूरे तरीके से झूठे हैं, मैं बिल्कुल झूठा नहीं हूँ। ग्लोबल मीडिया का मतलब क्या होता है जरा बताइए मुझे, 5 बड़े इंटरनेशनल अखबार का नाम बताइए, बता सकते हैं आप भाई? बीबीसी वर्ल्ड, बीबीसी वर्ल्ड पत्र अखबार है, बीबीसी अखबार नहीं है, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा 5 बड़े अखबार इंटरनेशनल का नाम बताइए, मैं बोल तो रहा, बोलने तो देना, बोलिए जैन साहब, सुनिए अपनी तरफ से बात करने के लिए, आप पीछे चुप रहिए जैन साहब, मैंने चैनल की बात की है, मैंने अखबार की बात नहीं की, किस चैनल को फोन किया आपने, जितने भी चैनल है नाम बताइए ना, बीबीसी आपको भी आपके चैनल को भी किया नहीं, हमारे पास कोई फोन नहीं आया आपका, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास, एक मिनट खैर चलिए, इंटरनेशनल ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल मीडिया बीबीसी के अलावा वॉइस ऑफ इंडिया, एक मिनट टाइम्स मैगजीन, एक मिनट सुन लीजिए ना आप मेरी बात, अभी तो आपने कहा आपने किसी अखबार को नहीं फोन किया, आपने सिर्फ टीवी चैनल को फोन किया, टाइम्स मैगजीन मैगजीन है चैनल नहीं है, अजय जी मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ, सारे इलेक्ट्रॉनिक, मुझे 5 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता दीजिए ना, इंक्लूडिंग सुनिए, इंक्लूडिंग आपका चैनल, नहीं, इंटरनेशनल की बात, सवाल सीधा है, 5 चैनलों का नाम बताइए जिनको आपने फोन करके कहा कि आप लालकृष्ण आडवाणी के घर का घेराव करने जा रहे हैं, बताइए किया वो आपको, किसको? सारे पत्रकारों को जो मेरे पास लिस्ट है, आप मेरे पास आप मेरे से लिस्ट ले लीजिए, और वो टेलीकास्ट हुआ, टेलीकास्ट हुआ रात को 11 बजे, कितना दम, रात को 11 बजे उसी दिन बीजेपी ने घोषणा किया, एक आरोप ये भी है कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स हैं, आपने अपने घोषित कर दिया, सुनिए सुनिए सुनिए, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया, सुनिए ना, आपने मान लिया, आपने किया, हमने मान लिया, आपने किया, सवाल पूछ रही है, हमने आपने किया, हमने मान तो लिया, ओम जी मुझे लगता है कि हमें ओम बाबा को जाने देना चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि ओम बाबा किसी भी सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करना चाहते, मुझे ये जवाब नहीं देने दे, ठीक है, सिर्फ सवाल कर दो, और ये बार बार जैन साहब ना, एक तो सबसे पहले अगर आप वहां बैठे उस कुर्सी पे, आप सिर्फ इस अनुबंध के साथ बैठे थे कि आप चुप रहेंगे, आपकी आवाज मुझे इस फ्लोर पे नहीं सुनाई देनी चाहिए, ये शो न्यूज नेशन का है, ये शो मेरा है, आप इस पे नहीं कुछ बोल सकते, आप चुप बैठिए, कर दीजिए, नहीं चाहिए मुझे ये शो, ठीक है, पहली बात, दूसरी बात, स्वामी जी
मैं आपसे मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ स्वामी जी, आपको पांच नाम पूछे आप स्वामी जी, आपने अभी जो भी कहा स्वामी जी, आपने जो भी कहा वो सब झूठ है। मैं आपको ललकारता हूँ, अगर आप सत्यापित कर सकते हैं तो करिए। पांच नाम तक तो बता नहीं सके इंटरनेशनल मीडिया, सत्यापित कीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, चुनौती है यहाँ पर, चुनौती मैं भी देता हूँ। क्या 8 जून चुनौती पे चुनौती कौन देता भाई? मैं देता हूँ। ये आप ही की डिक्शनरी में हो सकता है और इसीलिए आप ओम बाबा हैं। आप सच तो बोल नहीं सकते। एक और हम आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। सोनिया गांधी के बारे में आपने जो अनर गलर बातें कही थी उसका वीडियो क्लिप देखिए, देखिए अभी आपके सामने मैं दिखाता हूँ आपको। समझ नहीं आ रहा, आप बैठिए प्लीज, जवाब देने नहीं देते, आप जवाब दे ही नहीं सकते क्योंकि आप झूठे हैं। मैं झूठा नहीं, यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, झूठा नहीं। एक ये क्लिप, जवाब तो देते नहीं आप कुछ एक ये क्लिप देखिए भाई, मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूँ, फिनास आप अपने रिकॉर्ड से निकालिए, मैं टेक टाइम बता रहा हूं आपको। इस शो को आगे बढ़ाते हैं, आइए जरा पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। सोनिया गांधी के बारे में ओम बाबा में सुन रहे नहीं चाहते, मैं क्या कहा देखिए, बता रहा हूँ यार। सोनिया गांधी ने बिग बॉस को जो अमेरिका में बैठे हैं करोड़ों डॉलर रिश्वत दिया है। सारे बिग बॉस के बाउंसर जो मुझे पकड़े हुए हैं और मुझे मीडिया से बात नहीं करने दे रहे हैं, क्या बात? बिग बॉस के बाउंसर्स आपको हर जगह पकड़े हुए हैं? हर जगह परछाई दिखती है क्या? परछाई नहीं यार, इसका फोटो ले लो आप और आप बिग बॉस से पूछो कि ये बिग बॉस के बाउंसर। अच्छा स्वामी जी, और जो आदमी अभी दिख रहा था FIR, ये आदमी जो अभी दिख रहा था ये बिग बॉस का डायरेक्टर है। अच्छा आप तो बिग बॉस के घर से आ गए ना, FIR करा दीजिए बिग बॉस के खिलाफ। क्या FIR करा दीजिए जिन जिन से आपको आपत्ति है, सबको करा दिया, करा दिया। जिस दिन मैंने FIR की बात करते हैं उसी दिन कराया है। बहुत अच्छा काम किया आप, जरा आपकी आपराधिक प्रवृत्तियों की बात करते हैं, आपकी FIR की बात करते हैं। आप पर साइकिल चुराने का आरोप, कितनी बार एक ही बात को मैं दोहरा हूँ यार, FIR है आपके खिलाफ। अरे भाई मेरी बात सुनिए, उस आपकी आपराधिक प्रवृत्ति ये भी कहती है कि आप सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को किडनैप कर लेंगे। आप मुझे मैं पहले आरोप लगा लूँ फिर बोलिएगा आप? नहीं फिर आप एक आरोप लगाइए उसका जवाब लीजिए। चलिए पहले एक साइकिल चुराई थी कि नहीं सुनिए, नहीं अब सुन लीजिए मेरी बात। 22 नवंबर 2008 को पहले सुन लीजिए, हंसो मत, ये सीरियस बात है, ये यहाँ पर सीरियस बात है। किसी को आरोप लग रहा है उसको आप बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। 22 नवंबर, देखिए मैं पिछले ये जो घटना जिस दिन घटी थी उससे अजय जी उससे अच्छा, ये बताइए ना साइकिल चुराई थी कि नहीं? नहीं वो मेरे भाई, मेरा वो ओम जी साइकिल स्टोर मेरा शोरूम है, मेरी दुकान है, मेरे नाम से प्रॉपर्टी है। मैं अपने ही शोरूम से अपनी साइकिल चुराऊंगा क्या? और ये प्रमोद झा कौन है? प्रमोद झा मेरा नौकर था, साइकिल मैकेनिक था। अच्छा। प्रमोद झा इस वक्त फोन पर हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद झा क्या, क्या हुआ? अरे फोन पर है ना वो, नहीं बैठना मुझे, नहीं बैठना, मैंने पहले बना किया तेरे कुत्ते को, नहीं बैठना मुझे, मुझे नहीं बैठना, ना नहीं बैठूंगा, ना 2 मिनट बाबा, 2 मिनट, ना नहीं बैठूंगा बाबा, 2 मिनट, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। आप लोगों ने बना क्या दिया? आपको बुलाना, नहीं बैठूंगा, बिल्कुल नहीं बैठूंगा। मुझे लगता है खत्म करना पड़ेगा जी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को यहाँ खत्म करें मैं चाहता हूँ मार्तंडेयपुरी जी आप अपनी टिप्पणी रखें यहाँ पर। मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ जी कि बिग बॉस से लेकर अब तक जो हो रहा है वह भारतीय सनातन चिंतन मनीषा धर्म के खिलाफ सोची समझी साजिश है जी, और जाने अनजाने हम इसके शिकार हो रहे हैं। हमें बहुत सतर्क होना चाहिए इस प्रकार के झूठ से, और मुझे लग रहा है कि बहुत सोची समझी साजिश के अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम चल, जितने बड़े झूठ में इतने झूठ मैंने अब तक के जीवन में कभी नहीं सुने। मैं भी प्रधानमंत्रियों के साथ रहा, इन्होंने मेरे सामने एक चैनल में कहा कि इंदिरा गांधी को मैंने प्रधानमंत्री बनाया, मैंने कहा मैंने कभी आपको वहाँ नहीं देखा जी। इसलिए इतना बड़ा झूठ जी, या इसको धर्म के विरुद्ध सनातन के विरुद्ध सारे झूठ है। पुरी साहब अजय जी एक झूठ मैं भी बताता हूँ, एक टीवी चैनल में डिबेट में 5-7 मैं भी कर चुका हूँ। एक में ये कह रहे थे कि मैंने सिंह को पीटा, गांधी को घर में जाके पीटा और को भी पीटा और केजरीवाल को, और इधर कह रहे हैं चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री मैंने बनवाया था हमसे कहा केजरीवाल। हर चैनल पर इनकी अलग अलग भाषा होती है, पता नहीं कौन सी भाषा क्या इस्तेमाल करते हैं। इनका 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 ये मानसिक रूप से बीमार हैं, रोगी हैं,
इनकी चिकित्सा कराई जानी चाहिए और इनकी जांच कराई जानी चाहिए, उनको पागलखाने बंद करना चाहिए। आप सबों के मतों का मैं सम्मान करता हूं, इसके साथ साथ मैं अपने तमाम दर्शकों के सामने ये कहना चाहता हूं कि अभी स्वामी ओम बाबा ने इस कार्यक्रम में जो भी अभद्र टिप्पणियां की हैं, जिन जिन शख्स के बारे में तमाम आरोप लगाए हैं, हम उनमें से किसी से भी ना तो इत्तेफाक रखते हैं और ना ही किसी तरीके से इसका कोई सरोकार है। ये स्वामी ओम बाबा के खुद के व्यक्तिगत राय हैं और हम चाहते हैं कि वाकई में, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनका मानसिक संतुलन शायद ठीक नहीं है, इनका इलाज होना चाहिए, कम से कम ये जरूर होना चाहिए। आप सब इस चर्चा में शामिल हुए, हम आभारी हैं, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।